हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी मजे में होंगे। दोस्तों आज की बड़ी मच अवेटेड रेसिपी हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता। दोस्तों मैं इसी इजी वे में बना रही हूँ और इसे मैं मैक्रोनी के साथ बना रही हूँ। मैक्रोनी इजीली अवेलेबल होती है, ये सब आराम से बना पाती है, इसलिए मैं मैक्रोनी के साथ बना रही हूँ। आप इसी रेसिपी को पैने के साथ बना सकते हैं, रेसिपी सेम रखें, सॉस की रेसिपी वही सेम रहेगी, उसी तरह से मैंने बनाई है। तो दोस्तों इस आसान सी रेसिपी को चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं पास्ता इन रेड सॉस। आप सोचोगे मैं तो मैक्रोनी से बना रही हूँ। जी हाँ, आप ये रेसिपी मैक्रोनी से बना सकती हैं, मैं इसे मैक्रोनी के साथ बनाऊंगी। ये भी पास्ता का एक रूप होता है। आप इसे पहले फ्यूसिली जो आपको पास्ता पसंद है उससे बना सकती हैं। दोस्तों पास्ता बनाने की यानी हम रेड सॉस में पास्ता बना रहे हैं, उसकी शुरुआत करेंगे उसे उबालने से। तो आप उबलता पानी लें, आप पैन में खूब सारा पानी डालें, उसे उबलने दें। जब वो उबल जाए तो इसमें मैक्रोनी या पास्ता आप जो बनानी है ऐड कर दें, इसे अच्छे से उबलने दें। दोस्तों मैक्रोनी जल्दी उबल जाती है, इसे 3 से 4 मिनट लगते हैं। हम पेने पास्ता से बनानी है जो लंबा पाइप की तरह होता है, थोड़ा तिरछा कटा हो, अगर वो बनानी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है कुक होने में। उबलते टाइम दोस्तों इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये जुड़े नहीं। और जब आपको लगे उबल गया है, 4 से 5 मिनट बाद आप देखें उबल गया है, तो आप इसे रनिंग टैप के नीचे रखें ताकि इसका जो है गर्म पानी इसमें से बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि नलियाँ सी हैं, इसमें पानी फंस जाएगा तो ये जुड़ जाएगा और गलता रहेगा। तो इसको अच्छे से स्ट्रेनर में डालें, छानें और ठंडा पानी चला दें। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं, इसमें से पानी निकल जाएगा और ये ठंडा हो गया, जुड़ेगा नहीं। हम सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बहुत सारे टमाटर, लहसुन बारीक कटा हुआ 1 से 2 टीस्पून। सॉस में दोस्तों मैं थोड़ी सी बारीक कटी कैप्सिकम और थोड़ा सा बारीक कटा आनियन ऐड करूंगी। आप शिमला मिर्च और प्याज बारीक काटें एक ही तरह से। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो हम सॉस बनाते हैं उसमें बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। टमाटर दोस्तों इस तरीके से आप इस तरह से इसकी हेड काटें और इसे मिक्सी में पीस लें। आप चाहें तो इनका छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी में बारीक पीस लेंगी तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यूं भी पीस कर बना सकती हैं। थोड़ी सी काली मिर्च चाहिए होगी, नमक, ऑरेगानो और थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तीखा नहीं होता, रंग बहुत अच्छा आएगा। ऑलिव ऑयल में बना सकती हूँ, मैं सनफ्लावर में बना रही हूँ। थोड़ी सी बेजिल चाहिए होगी। दूसरे हर्ब जो हम ऐड करें इसमें ऑरेगानो और बेजिल ऐड करें, अगर बेजिल नहीं तो खाली ऑरेगानो से काम चला सकती हैं। ऑरेगानो भी नहीं है तो आप एक चुटकी अजवाइन ऐड कर सकती हैं। साथ में दोस्तों इसको अच्छा फ्लेवर दे, अच्छा कलर दे और अच्छी इसकी बिल्कुल टेस्ट में एकदम बढ़िया रहे, तो इसके लिए टोमेटो केचप हम जरूर ऐड करेंगे। तो 2 टेबलस्पून हमें टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले दोस्तों पैन में डालेंगे 2 टीस्पून, 2 से 4 टीस्पून आप ऑयल डालें, 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकती हैं। इसमें डालें 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक। इसे दोस्तों हम हल्का सा चलाएंगे, इसे ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पकने लगेगा जैसे ही, इसका रंग नहीं बदले, बस ये हल्की सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें बारीक कटे प्याज ऐड करेंगे। प्याज दोस्तों हमने 2 से 3 मिनट पकाने हैं, अच्छे से आप इन्हें 2 से 3 मिनट चलाएं तेज आंच पर। और इसमें कैप्सिकम जो हमने बारीक काट कर रखी है प्याज की तरह से, वो भी ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर दी है और इसे हम कुक करें, सिर्फ हमने टोटल 4 से 5 मिनट कुक करना है, इसे ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है। तो इसमें अच्छे से कुक हो गए, अब मैं इसमें टमाटर जो मैंने रखे थे उन्हें मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया और वो ऐड कर रही हूँ। दोस्तों ये रेड सॉस पास्ता है तो इसमें टमाटर की ग्रेवी को कुक करना बहुत ज़रूरी है, सॉस को हम अच्छे से कुक करेंगे। दोस्तों प्याज और शिमला मिर्च और लहसुन हमने अच्छे से पहले फ्राई किया है, उसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं पिसे हुए, इन्हें मैं अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि रेड सॉस पास्ता है इसमें टमाटर का ही फ्लेवर आएगा ज़्यादा। तो इस ग्रेवी को यानी इस सॉस को आप अच्छे से कुक करें, इसे 4 से 5 मिनट आप मीडियम फ्लेम पर आप कुक करें और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि केचप भी ऐड करेंगे बाद में, और लाल मिर्च आधा टी स्पून 1 टीस्पून ऐड कर सकती हैं बारीक पिसी हुई। मैं इसमें दोस्तों आधा टीस्पून ऑरेगानो और आधा टीस्पून से थोड़ी कम बेजिल डाल रही हूँ। अगर आपको बेजिल नहीं मिल रही है तो बेजिल तुलसी होती है, जो बड़ी वाले तुलसी के बड़े पत्ते होते हैं, आप वो तोड़कर 1 से 2 पत्ते तोड़कर काट कर डाल सकती है, नहीं तो आप अवॉइड कर सकती है, खाली ऑरेगानो डाल सकती है। ऑरेगानो भी नहीं है तो आप थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी अजवाइन ऐड कर दें। तो देखिए हमने सभी चीज़ें ऐड कर ली, अब हम काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ज़्यादा नहीं, आधा टीस्पून ऐड करें। अच्छे से मसालों को टोमेटो की सॉस में अच्छे से कुक करें, देखिए कितना अच्छा कलर आया, पिछले 4 से 5 मिनट से इसे भून रहे थे, तो हमारी टोमेटो की जो सॉस है बहुत अच्छे से कुक होगी, बहुत ही फ्लेवरफुल है ये। दोस्तों अब इसे कंप्लीट करने के लिए हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड करेंगे, आप 2 टेबलस्पून इसमें टोमेटो सॉस ऐड करें। मैंने 1 कप दोस्तों मैक्रोनी ली है, 1 से 1.5 कप मैक्रोनी के लिए, इतनी ग्रेवी अच्छी रहेगी। तो आप इसमें टोमेटो केचप ऐड करें, हमारी पास्ता की जो सॉस है पहले से ही कुक है, अब टोमेटो केचप के साथ इसे 2 मिनट चलाएंगे, बस ज़्यादा नहीं। सॉस बहुत अच्छे से कुक हो गई है, अब मैं इसमें आंच को कम करके इसे ऐड करें बॉइल्ड पास्ता या बॉइल्ड मैक्रोनी, इसे ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें, तेज़ आंच करें और अच्छे से मिक्स करें। मैंने अब फ्लेम को दोस्तों बढ़ा दिया और मैं इसे अच्छे से तेज़ चला रही हूँ ताकि सारे फ्लेवर्स जो है हमारी पास्ता में आ जाए और हमारी मैक्रोनी जो है अच्छे से जूसी और फ्लेवरफुल हो जाए।
सॉस हमारी पहले ही कुक थी, पास्ता भी हमारा कुक्ड है, बस हमने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से आपस में मिक्स करना है। स्टर कीजिए और हमारी पास्ता इन रेड सॉस, मैक्रोनी इन रेड सॉस बनके रेडी है। ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसे मार्केट में मिलती है और बिल्कुल बहुत आसानी से बनाई है हमने। गर्मा गर्म पास्ता को, मैक्रोनी को आप करें सर्व, इस पे डालें चीज ग्रेट करके, 1 चीज क्यूब काफी रहेगा। दोस्तों पार्मेजान चीज वैसे ट्रेडिशनली ऐड किया जाता है, लेकिन हमें ये चीज अच्छा रहेगा, ये भी वही टेस्ट देगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको एक गर्मा गर्म रेड सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी होगी, इजी लगी होगी, और आप इसे जरूर बनाने भी वाली हैं। आप जल्दी से बनाएं, मुझे बताएं आपको कैसी लगी। अगली बार दोस्तों नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, और मेरा चैनल कुक विद मोनिका जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।